आज का हमारा एपिसोड है जगे जगी सवेरा। भाई और बहनों, बहुत सुंदर एपिसोड है। एक व्यक्ति सो रहा होता है, चाहे 9 बज रही है चाहे 10 बज रही है, तो सोते सोते तो उसको नींद के अंदर कोई एहसास नहीं होता है कि सूर्य इतना चढ़ गया है, सवेरा हो गया है। लेकिन जो ही वो आंखें खोलता है और सूर्य का प्रकाश देखता है तो वो चिंतन करता है कि सवेरा हो गया है। कोई बात नहीं है, उसको सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, ये प्राकृतिक नियम है। उसने नियम का पालन नहीं किया है, हालांकि ये उसकी गलती है, लेकिन फिर भी गलती का सुधार वह तब कर सकता है जब ये मान के चले कि जगे जबी सवेरा, यानी जो कुछ उन्हें 3-4 घंटे एक्स्ट्रा सो लिया है उसकी लेट निकालना उसके हाथ में है। और वह लेट कब निकलेगी? जब वो चिंतन करेगा कि जगे जबी सवेरा। इस सिद्धांत को हम दो तरीके से प्रस्तुत करते हैं, एक तो व्यवहार जगत के अंदर किस तरीके से जगे जबी सवेरा है, और एक हमारा निश्चय का जगत है जो भीतर का जगत है, उसमें किस तरह से जगे जबी सवेरा सिद्धांत लागू होता है। पहले हम व्यवहार जगत को लेते हैं, क्योंकि व्यवहार जगत में हम अधिकतम समय में रहते हैं, बहुत ही कम समय में हम निश्चय जगत में जाते हैं। और निश्चय जगत में वही जाता है जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास साधना है, और जो साधक है और पूर्व जन्म से कुछ साधना के सूत्र लेकर के आया है, जिसका पुण्योदय है, वही भीतरी जगत के अंदर ज्यादा जा सकता है। और भाई और बहनों, जो हमारा भीतरी जगत है वह स्थाई जगत है, बाहर का जगत है ये रिलेटिव है, भीतर का जगत रियल है। ये बात हमें अच्छी तरह से समझनी चाहिए, तभी हमारे व्यवहार जगत में और निश्चय जगत में जगे जगी सवेरा दोनों ही लागू हो जाएंगे। और भीतर का जगत, रियल का जगत, बाहर का जगत, रिलेटिव का जगत, दोनों पूरक है, दोनों एक सिक्के के पहलू है। व्यवहार बिना निश्चय नहीं है, निश्चय बिना व्यवहार नहीं है, और निश्चय शुद्धि बिना व्यवहार शुद्धि नहीं है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि हमें हर सूरत में, हर क्षण, पूरे जीवन भर व्यवहार जगत और निश्चय जगत का संतुलन बिठाना चाहिए। जो कुछ आता है भीतर से आता है, क्योंकि मुख्य भीतर है, भीतर ही बाहर को जन्म देता है। कैसे, मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमें कोई भी कार्य करना है, मान लीजिए कि हमको ड्राइविंग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो पहले हम दिमाग में चिंतन करेंगे कि मुझे मेरे घर से ऑफिस को जाना है। ये चिंतन आता है, ये विचार आता है, ये मन में आता है, तो इसका मतलब ये पहले भीतर आता है। उसके आए बिना आप कार पे बैठ के या बाइक पे बैठ करके तुरंत रवाना नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ? प्राथमिक भीतर है और उसकी परिणति है वो बाहर है, वो व्यवहार जगत के अंदर है। तो हम व्यवहार जगत से चलते हैं कि जगे जबी सवेरा। इसका अर्थ ये हुआ कि अब जो कुछ चला गया है उसको भूल जाओ, बीती ताही बिसार ले और आगे की सुध ले। जैसे मैं 75 साल का हो गया और मैंने कुछ कार्य किया है और इस सिद्धांत को मानकर चला हूं तो बहुत अच्छी बात है। कई लोग इस सिद्धांत को मानकर नहीं चले हैं और वो अज्ञानतावश भूल करते रहे, और उनको आगे जाकर के ज्ञान मिला, उनको सूत्र मिला कि जगे जबी सवेरा। तो फिर हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। इसका मतलब है हमें टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। हमारे इस पौद्गलिक शरीर का कब अंत हो जावे हम कह नहीं सकते हैं, हमारा आयुष्य काल कब समाप्त हो जाए किसी को मालूम नहीं है। इसीलिए हर क्षण हमें चिंतन करना चाहिए कि जगे जबी सवेरा। अब हम जग गए हैं तो प्रकाश होना चाहिए। सवेरा मतलब प्रकाश, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है, अंधकार अज्ञान का प्रतीक है। यानी प्रकाश में आने के बाद हमें ज्ञान में रहना चाहिए। तो जब अब सवेरा हो गया है तो आप अपना व्यवहार जगत के अंदर अच्छे कार्य चालू कीजिए। सबसे अच्छा कार्य क्या है कि जो कुछ हमारे
जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर चलता है, लाइफ स्पान के अंदर चलता है, वह हम पीछे से लेकर के आए हैं। ये मेरा नाम सोहन राज है। सोहन राज को ये मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, पुतला मिला है, वो पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब के लिए मिला है। और जब हिसाब पूरा हो जाएगा, आयुष्य कर्म संपन्न हो जाएगा, तो ये मन वचन काया रूपी पुतला जड़ में परिवर्तित हो जाएगा और उसको जला दिया जाएगा, हंसा उड़ जाएगा। हंसा मतलब हमारा भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मूल स्वरूप का है, वह शरीर को छोड़ करके और दूसरे शरीर के अंदर चला जाएगा। जब आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाती है, तो हमारी मूल आत्मा जो शुद्ध आत्मा है, जो मोक्षगामी आत्मा है, जो मोक्ष स्वरूप के अंदर है, वह आत्मा निष्क्रिय है, वह कुछ भी नहीं करती है। उसका तो लक्षण है ज्ञाता दृष्टा, वो जानने वाली है और देखने वाली है, और आनंद उसका गुण है, वो सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी। हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान जो हमको एनर्जी देता है, जो हमको बुलाता है, और उसके माध्यम से हम हमारी मन वचन काया की सब प्रवृत्ति करते हैं, और ये शरीर है मिश्र चेतन बन जाता है, वो आत्मा की हाजिरी से बनता है।